दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर प्रतीक सहजपाल फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों प्रतीक को इतनी बुरी तरीके से रोता हुआ देखकर घर के बाकी कंटेस्टेंट की भी आंखें नम हो गई और उनकी भी आंखों से आंसू छलक आए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस समय घर के अंदर घर के अगले बॉसमैन और बॉस लेडी के लिए लैडर टास्क चल रहा है। और इस टास्क के जरिए जब बिग बॉस ने स्लाइड के जरिए स्टेप भेजा तो छठे नंबर पर स्टेप के साथ प्रतीक सहजपाल के घर से आया हुआ लेटर बंधा हुआ था। इस दौरान दोस्तों बिग बॉस के घर का जैसे ही बजर बजा तो निशांत भट्ट, मिलिंद गावा और प्रतीक सहजपाल तीनों ही उस स्टेप को लेने के लिए आगे बढ़े। हालांकि दोस्तों वो लेटर सबसे पहले यानी कि वो स्टेप सबसे पहले प्रतीक सहजपाल ने हासिल कर ली। और दोस्तों प्रतीक सहजपाल ने बिना कुछ सोचे समझे अपने घर से आया हुआ लेटर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया और उस स्टेप को अपने लेटर में लगा लिया। जिसके बाद दोस्तों प्रतीक सहजपाल की आंखें भर आई क्योंकि इतने दिनों तक घर के अंदर रहने के बावजूद वो अपने घर वालों को लेटर नहीं पढ़ पाए क्योंकि दोस्तों उनके सामने मजबूरी ही कुछ ऐसी थी। इस टास्क के जरिए दोस्तों कुछ ऐसा है कि या तो घर वाले अपना लेटर ही पढ़ सकते हैं या फिर उस लेटर को फाड़ कर केवल उस स्टेप को अपने लेटर में लगा सकते हैं। और प्रतीक सहजपाल ने टास्क को जीतने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए अपने लेटर को फाड़ दिया और जो स्लाइड थी और दोस्तों प्रतीक सहजपाल ने टास्क को जीतने के लिए अपने लेटर को फाड़ कर उस स्टेप को अपने लेटर में लगा लिया। जिसके बाद दोस्तों प्रतीक सहजपाल को अपने आप पर काफी गुस्सा आया और उन्हें अपने घर की बुरी तरीके से याद सताने लगी क्योंकि उनके माता जी का लिखा हुआ लेटर था। प्रतीक ने लेटर फाड़ते हुए राइटिंग देख ली थी जिसके कारण उनको अपनी मम्मी की याद आई और वो काफी फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों ये पहली बार है जब प्रतीक सहजपाल घर के अंदर इतनी बुरी तरीके से रोए थे, वरना वो इतने कमजोर इंसान नहीं है कि इस तरीके से घर के अंदर रो बैठेंगे। खैर दोस्तों टास्क भी जीतना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि टास्क को जीतेंगे तभी गेम में आगे बढ़ेंगे और घर वाले भी तो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्द से जल्द गेम में आगे से आगे बढ़े। फिलहाल दोस्तों आपको कैसा लगा प्रतीक का ये कारनामा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप भी प्रतीक के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।